अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जफाद यूनुस। टिप जो आज की मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो है कि हम अरबी को इंग्लिश को कैसे टाइप कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में। ज़्यादा लंबा चौड़ा टूल नहीं है, ना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत है। आपको जस्ट जाना है सर्च बार में अपने और लैंग्वेज सेटिंग्स पे जाना है। जब आप लैंग्वेज सेटिंग्स में जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी कि यार कौन कौन सी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल अभी है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे डाउन पे ये जो मैं आपको अगर आपको दिखा सकूं, डाउन पे भी आपके पास ऑप्शन आ रही होती है। आपके पास इंग्लिश अवेलेबल है, अरबिक अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि जो है ना मेरी उर्दू भी अवेलेबल हो जाए, पाकिस्तानी उर्दू जस्ट टाइप करोगे आप, ये आ जाएगी उर्दू। फिर ये ऑप्शन देगा इंडियन आपको उर्दू चाहिए या पाकिस्तानी उर्दू चाहिए, फिर हमें पाकिस्तानी उर्दू पे क्लिक करना पड़ेगा। उर्दू सर्च करूँगा, उर्दू पाकिस्तान पे, ओके। ये हमारे पास ऐड हो गई है लैंग्वेज। कोई सॉफ्टवेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इस पर जाएँगे और आपके ऑप्शन आ गए। देखें अब उर्दू भी आपके पास आ गई है, इंग्लिश भी आ गई है, इंग्लिश ऑलरेडी होती है, और अरबिक भी आपके पास आ गई है। आपको कोई सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर जाएँगे, इसको डाउनलोड करता हूँ मैं, फिर इंग्लिश पे, इंग्लिश तो ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया इंग्लिश कैसे टाइप आउट करनी है। फिर उसके बाद जो है ना उर्दू का मैं आपको करके दिखाता हूँ। उर्दू पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने ऊपर कीबोर्ड अपनी आसानी के लिए जाना बना के रखा हुआ है कि उर्दू में कौन सा सेक्शन कौन किस तरह आ रहा है। तो मैं वर्ड लिखता हूँ, ओके, और देखिए ऑप्शन हमारे पास ये है, यू में दे, ये देखें मोहब्बत लिखा गया उर्दू वर्ड। मीन्स के इस तरह आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस जगह पे, कौन सा वर्ड किस जगह पे है। मोस्टली उर्दू टाइपिंग आपके कीबोर्ड्स में मिल रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि अगर आपने उर्दू टाइपिंग करनी है तो उर्दू कीबोर्ड ले लें, तो आप आराम से आसानी होगी आपको टाइप करने के लिए, ओके। नेक्स्ट आपको मैं अरबिक लिख के दिखाता हूँ। अरबिक के लिए अगर उर्दू आपने करनी है तो उर्दू के लिए, अगर आपने अरबिक करनी है यूनाइटेड अरब अमीरात में जो हम लोग यूज़ करते हैं, आलन मैंने लिखा है, अरबिक वर्ड है ये आलन, और ये देखें ये अरबिक इस पर लिखा गया। उसके बाद एडोब अरबिक मेरे पास फॉन्ट्स मैंने डाउनलोड किए हैं नेट से और उसको उस तरह मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा, जो भी फॉन्ट मैं करना चाहूँगा वो कर लूँगा। जिस तरह इंग्लिश में होता है उस तरह जो है अरबिक में भी आपको फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं वो क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स पे। तो उसके अलावा अगर कोई भी अगर आप लैंग्वेज ऐड करना चाहें वो इस पर कर सकते हैं। उर्दू अरबिक के अलावा अफ्रीकन लैंग्वेज भी, ये सब लैंग्वेजेस की ऑप्शंस आपके पास आ रही होती हैं लैंग्वेज सेटिंग्स में। जो भी आप इंडियन टाइप करना चाहें तो इंडियन के लिए भी ये करेंगे, और इंडियन फॉन्ट्स आप डाउनलोड कर लेंगे गूगल से और आप आराम से इंडियन जो है राइट आउट कर लेंगे। और भी जो भी लैंग्वेज अगर आप आती हैं तो आप वो आराम से इजीली कर लेंगे, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, ओके। बस करें कि मैं आपको ये इंडियन ऐड करके लिख कर दिखाता हूँ। मराठी लैंग्वेज मैंने ऐड कर ली है, मैंने ये मराठी लैंग्वेज ऐड कर लिया है कीबोर्ड पे। तो जब मैं टाइप करूँगा तो ये देखें ये इंडियन लैंग्वेज लिखी थी। मुझे नहीं पता कि ये क्या वर्ड है क्योंकि मैं इंडियन लैंग्वेज नहीं जानता, लेकिन ये देखें मैंने इंडियन लैंग्वेज टाइप की है। तो इसका मतलब कि कोई भी लैंग्वेज अगर आप चाहें तो एडोब इलस्ट्रेटर उस चीज़ को सपोर्ट करता है। आपको वो जस्ट फॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं। फॉन्ट्स डाउनलोड करने का मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बना रहा हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल, तो उसको ज़रूर देखिएगा। आपको पता लग जाएगा कि किस साइट से हम फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो आम मैं डेली कर रहा होता हूँ आप लोग। तो
मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। अगर मेरी टिप पसंद आई है तो ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा, आपके लिए आसानी सेकेंडों में काम हो जाएगा और जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आपको पेश आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन आंसर दूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टिप ऑफ द डे के साथ। जो आदि उसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।